विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, राजकुमारी रूबीना। राजकुमारी रूबीना बेहद खूबसूरत थी और दयालु भी। राजकुमारी को पक्षियों से बात करना, उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। राजकुमारी रूबीना में खास बात थी, उनके आंसू। राजकुमारी के आंसू जादुई थे, अमृत के समान। पर इसके बारे में राजकुमारी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कभी कभी बहुत चिंता होती है हमें अपनी पुत्री की। हमारी पुत्री अब बड़ी हो गई है और हमने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया उन आंसुओं के बारे में। हमें पता है आप राजकुमारी से बेहद प्रेम करते हैं। अपनी पुत्री को आपने आज तक रोने नहीं दिया। अगर रोने दिया होता तो उन्हें खुद इस बात की जानकारी हो जाती। उन्हें खुद ब खुद पता चल जाता कि उनके आंसू जादुई हैं, अमृत है उनके आंसुओं में। राजा रानी आपस में बात कर रहे थे, तभी उनकी सारी बातें एक जादूगरनी सुन लेती है। राजकुमारी के जादुई आंसू आंसू अमृत बन जाते हैं, इसका मतलब अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकती हूँ, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। राजकुमारी बगीचे में बैठी थी और सभी पक्षी उसके आगे पीछे थे। राजकुमारी पक्षियों से बात कर रही थी, उनके साथ खेल रही थी। तभी वो जादूगरनी वहाँ आ जाती है और राजकुमारी को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आई? हमें छोड़ो, नहीं तो हम सिपाहियों को बुलाएंगे। मैं जादूगरनी हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया राजकुमारी, और मेरे चंगुल से आज तक कोई बच भी नहीं सका। तुम्हारे सिपाही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राजकुमारी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आई? हमें छोड़ो, नहीं तो हम सिपाहियों को बुलाएंगे। राजकुमारी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर नहीं छुड़ा पाती। तभी सारे पक्षी मिलकर जादूगरनी पर हमला बोल देते हैं। तुम बचाने आए हो अपनी इस राजकुमारी को? तुम सबको शायद मेरे काले जादू का एहसास नहीं। अभी दिखाती हूँ तुम्हें अपना जादू। जादूगरनी अपने जादू से सभी पक्षियों पर वार करती है। तभी एक पक्षी मरकर नीचे गिर जाता है। दुष्ट जादूगरनी, तू अपना जादू इन मासूम पक्षियों पर क्यों निकाल रही है? तू इन्हें कुछ ना कर, ये मेरे लिए पक्षी नहीं, मेरे दोस्त है। तूने इन्हें मार दिया, मेरे प्यारी चिड़िया उठ, आंखें खोल। राजकुमारी रोने लगती है और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मरी हुई चिड़िया पर गिरने लगते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आंसू चिड़िया पर पड़ते ही चिड़िया जीवित हो जाती है और राजकुमारी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, ये चिड़िया जीवित कैसे हो गई? तुम्हारे आंसू अनमोल है लड़की, तुम्हारे आंसू कोई मामूली आंसू नहीं है, अमृत है अमृत तुम्हारे आंसू। तभी एक सिपाही जादूगरनी को देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगता है। महाराज महाराज, महल में जादूगरनी घुस आई है और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया है। तभी जादूगरनी राजकुमारी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, उसे अपनी गुफा में ले जाती है और कोठरी में डाल देती है। वहाँ महल में राजा रानी राजकुमारी के अपहरण से परेशान हो जाते हैं। उस जादूगरनी को हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी इस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारी पुत्री को अगवा कर उसने अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। वो दुष्ट जादूगरनी हमारे जिगर के टुकड़े को ले गई है, पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। महाराज, हमारी बेटी को बचा लो, उसे जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा लाओ। राजा अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है राजकुमारी को ढूंढने। बहुत ही सुंदर है हमारी राजकुमारी, अगर तुम अपनी ये सुंदरता ऐसे ही चाहती हो तो अपने आंसू मुझे दे दो। हमारे आंसू कोई जादुई आंसू नहीं है, इसलिए हमें जाने दो, छोड़ दो। महाराज और महारानी ने तुमसे ये बात छिपाई है लड़की, मैंने महाराज और महारानी को तुम्हारे जादुई आंसू वाली बात कहते सुना, तभी मैं तुम्हें उठा कर लाई हूँ। वो देखा नहीं था क्या, एक मरी हुई चिड़िया तुम्हारे आंसुओं की वजह से कैसे जीवित हो उठी। ये जादूगरनी बात तो सही कह रही है, मेरे आंसुओं के स्पर्श से वो मृत चिड़िया जीवित हो गई। पर अब हमें सब पता चल गया है, हम अपने ये जादुई आंसू इस जादूगरनी को बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर ये हमारे आंसुओं की वजह से अमर हो गई तो हर जगह तबाही मचा देगी, हम तुम्हें अपने आंसू बिल्कुल भी नहीं देंगे। ना सुनना मुझे पसंद नहीं लड़की, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊंगी, चोट लगने से तुम्हारे आंसू खुद ब खुद निकलेंगे। फिर जादूगरनी राजकुमारी को बहुत कोड़े मारती है, उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है, पर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी।
उसे मुस्कुराता हुआ देख जादूगरनी उसे कोठरी में बंद कर देती है। राजकुमारी राजकुमार सिद्धार्थ से बहुत मोहब्बत करती थी और राजकुमार भी, पर इसकी जानकारी राजकुमार को बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो पक्षी राजकुमार के पास जाते हैं और राजकुमार को राजकुमारी के अपहरण की खबर दे देते हैं। सभी पक्षी ची ची कर राजकुमार से कहते हैं, क्या तुम सब सच बोल रही हो? अगर वाकई ये सच है तो राजकुमारी संकट में है, मुझे अभी जाना होगा राजकुमारी को बचाने। पक्षी राजकुमार को जादूगरनी की गुफा का रास्ता बताते हैं। अच्छा, तो वो जादूगरनी इस गुफा में रहती है, राजकुमारी भी यही होगी फिर। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम कहाँ हो? राजकुमार, आप यहाँ? राजकुमारी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सब पता चल गया है। मैं अभी आपको यहाँ से आजाद कराता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? राजकुमारी को बोलो पहले मुझे अपने जादुई आंसू दे, तभी आजादी मिलेगी यहाँ से। तभी राजकुमार अपनी तलवार निकालता है जादूगरनी पर हमला करने के लिए, पर उससे पहले जादूगरनी अपने जादू से उसे ही मूर्छित कर देती है। राजकुमार बेसुध नीचे गिर जाता है। नहीं, राजकुमार को कुछ मत करो, उन्हें छोड़ दो। राजकुमार, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐ दुष्ट जादूगरनी, मैं तुम्हें अपने आंसू देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे पहले यहाँ से आजाद कर। जादूगरनी राजकुमार को आजाद कर देती है। राजकुमारी मूर्छित राजकुमार का सिर अपनी गोद में उठाकर रोने लगती है। तभी राजकुमारी के आंसू राजकुमार के ऊपर गिरने लगते हैं। जादुई आंसू राजकुमार पर पड़ते ही राजकुमार जीवित हो उठता है। ये लो हमारे आंसू, अब हमें जाने दो यहाँ से। जैसे ही जादूगरनी आंसू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, राजा आकर उस जादूगरनी के हाथ काट देता है और उसे उसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। फिर राजकुमार, राजकुमारी और राजा हंसी खुशी अपने महल लौट जाते हैं।